एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम डिफरेंट वेज ऑफ मशरूम पेंटिंग बनाना सीखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वेज से मशरूम पेंटिंग कैसे बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम पेंटिंग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं पहले एक मशरूम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। उसमें आपको रेड कलर लेना है, इट्स अ वर्मिलियन ह्यू कलर। तो आपको पहले थिन ब्रश यूज़ करना है, तो उसमें पहले बहुत थिन कलर लेना है, कम कलर लेना है विद मोर वाटर, ओके। तो उसके पूरे मशरूम के टॉप के ऊपर आपको स्प्रेड करना है। इसको मैं पूरे में ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा सा वाटर लेके उसको बहुत कम कलर आपको यूज़ करना है। तो फिर मैं थोड़ा सा थिक कलर लेके उसको कहीं कहीं से डार्क टोन दे रही हूँ। फिर मैं क्या कर रही हूँ, ब्लू एंड ब्राउन को मिक्स करना है आपको बहुत कम कलर। तो उसकी जो नीचे वाली स्टैम्प है उसमें मैं फिल कर रही हूँ बहुत कम, कहीं कहीं पे, ठीक है। बिकॉज मशरूम की जो स्टैम्प है वो एकदम से वाइट दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्राउन और ग्रे कलर, यू कैन से, उसको मैं थोड़ा सा थिनली विद मोर वाटर स्प्रेड कर रही हूँ। बॉटम पे उस पर लाइन्स का टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा रेड एंड ब्राउन कलर को मिक्स करके उसमें और डार्क टोन दे रही हूँ। मैं थोड़े से और डार्क ब्राउन के साथ मैं जो मशरूम की स्टैम्प है उसमें लाइंस बना रही हूँ, उसको डार्क इफेक्ट दे रही हूँ। और ऐसे थोड़ा सा और थिक कलर लेके उसमें थोड़े से स्पॉट्स बना रही हूँ ब्राउन कलर के साथ। तो ऐसे हमारा एक मशरूम कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो पास से। तो ऐसे ही मैं दूसरा मशरूम ड्रॉ कर रही हूँ, अलग टाइप से एक दूसरा मशरूम ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी शेप अलग है, तो थोड़ा सा बड़ा है, ओके। आप थोड़ी सी शेप्स चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें भी पहले क्या कर रही हूँ, इसको पूरा ही मैं रेड कलर से बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कम कलर आपको लेना है, रेड कलर में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करा है, ठीक है। उसको पूरी स्टैम्प में और उसके टॉप के ऊपर आपको स्प्रेड करना है। और बीच बीच में आप देख सकते हो मैं थोड़े से वाइट स्पॉट्स छोड़ रही हूँ। आप कहीं पे भी उसको छोटे छोटे से स्पॉट्स आप छोड़ सकते हो, ताकि जो मशरूम का टॉप है वो शाइनी हो जाए, ठीक है। इससे एक शाइन क्रिएट हो जाती है। तो शाइन जब होती है तो एकदम से वो वाइट स्पॉट लगता है, ठीक है। इसलिए हमें वाइट पेपर छोड़ना है, हमें कलर यूज़ नहीं करना, वाइट कलर नहीं लगाना, आपको पेपर ही छोड़ना पड़ेगा। बस ऐसे ही स्टैम्प के ऊपर मैंने थोड़ा सा और रेड कलर लगाया है और ऊपर भी थिक रेड कलर लगाया है, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा डार्क, उस और डार्क एंड लाइट का इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए। सो दिस इज़ माय सेकंड मशरूम। तो अभी मैं तीसरा मशरूम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में जाएगा, तो इसकी भी शेप थोड़ी सी डिफरेंट वे में है, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ब्राउन कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा कलर्स को थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो ब्राउन कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करा है, कोबाल्ट ब्लू और एनी ब्लू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले थिन कलर स्प्रेड करा है और फिर सेम ही कलर लेके मैंने थोड़ा थोड़ा साइडों पर स्प्रेड करा है, जहाँ पर आप थोड़ा सा डार्क टोन देख सकते हो, ठीक है। और सेम ग्रे कलर विद मिक्स ऑफ ब्लू एंड ब्राउन बना के मैंने उसकी स्टैम्प में क्रिएट करा है और ब्राउन कलर के साथ उसके लाइन वाला टेक्सचर दिया है, ठीक है। ऐसे फिर बाद में और डार्कनेस देने के लिए आपको ब्राउन, ब्लू एंड थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करना है और उसके साइड्स पे और आपको डार्क करना है, ठीक है। ऐसे हमारा थर्ड मशरूम फिनिश हो जाता है। और फोर्थ मशरूम के लिए मैं डायरेक्ट ब्रश के साथ ही बना रही हूँ, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मैंने ऑरेंजिश कलर लिया है, ऑरेंज येलो कलर को मिक्स करा है और उसकी टॉप को बनाया है। ये अलग स्टाइल का, अलग डिज़ाइन का मशरूम है,
ओके, तो स्टैम्प वही ग्रेश टोन में रहेगी, आफ्टर ऑरेंज और येलो कलर के बाद मैंने ग्रे टोन भी थोड़ी सी उसके ऊपर लगाई है, और फिर ब्राउन कलर के साथ उसमें एक टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ, लाइंस लाइंस वाला टेक्सचर बना रही हूँ। ठीक है, ऐसे हमारा फोर्थ मशरूम कंप्लीट हो जाता है। तो फिफ्थ भी मैं डायरेक्ट ब्रश के साथ ही कर रही हूँ, ये भी एकदम से रेड कलर में जाएगा। तो इसमें भी देखो, लाइट स्पॉट के लिए, वाइट शाइन स्पॉट के लिए मैं पेपर को थोड़ा सा छोड़ रही हूँ वहाँ से, ठीक है, और पूरे में रेड कलर फिल करना है। अगर वो ज़्यादा रेड कलर में दिखाई देगा तो आपको रेड कलर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, ओके। अगर वो लाइट टोन में दिखाई देगा तो आपको सेम कलर कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, मैं सेम रेड कलर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा उसमें ब्राउन कलर मिक्स करा है, मिक्स करके कहीं कहीं पे उसको डार्क टोन दे रही हूँ, ठीक है। स्टैम्प वही सेम ग्रेश टोन में रहेगी। तो पहले आपको ग्रे कलर कम यूज़ करना है, ग्रे में आप थोड़ा ब्राउन भी मिक्स कर सकते हो, और आप ब्लू एंड ब्राउन को मिक्स करके ग्रे बना सकते हो। ये हमारा फिफ्थ मशरूम कंप्लीट हो जाता है, और मैं सिक्स्थ वाला मशरूम ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा वायलेट कलर में बना रही हूँ, इसके साथ एक छोटा सा बेबी मशरूम भी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट वायलेट कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, वायलेट कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करा है, और पहले वही सेम मेथड से आपको थिन वायलेट कलर स्प्रेड करना है, और कहीं कहीं पे मैं लाइट ब्लू कलर स्प्रेड कर रही हूँ, कोबाल्ट ब्लू कलर स्प्रेड कर रही हूँ। हमेशा पहले जब भी आप वाटर कलर करो, आपको बहुत थिन लेयर में, थिन लाइट कलर में कलर स्प्रेड करना है, ठीक है। फिर ग्रेजुअली आपको थोड़े थोड़े डार्क टोन्स लेते जाना है, थिक कलर लेते जाना है, और उसको डिटेलिंग में देना है, ओके। इसमें भी वही कर रही हूँ, पहले कम कलर स्प्रेड कर रहा है, फिर सेम वायलेट कलर थोड़ा सा थिकली यूज ले रही हूँ, और उसमें डार्क टोन्स और जो जो भी उसमें लाइन्स टेक्स्चर है वो आपको क्रिएट करते जाना है। सेम स्टैम्प वही ग्रेश टोन में बना रही हूँ, ब्लू एंड ब्राउन को मिक्स करके। सेम कलर्स बेबी मशरूम में यूज होंगे। वायलट, कोबाल्ट ब्लू, उसको बहुत कम वाटर से स्प्रेड करना है, फिर और कलर लेना है और उसको डार्क करना है। वायलेट में मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्लू ऐड करा है और थिक कलर यूज़ कर रही हूँ एंड में उसकी और डार्क टोन्स देने के लिए। तो अभी लास्ट मशरूम बना रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा येलो एंड ग्रीन टोन्स में बना रही हूँ, ठीक है। आपको येलो कलर लेना है, लेमन येलो ले सकते हो, क्रोम येलो ले सकते हो, ठीक है। येलो कलर ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें थिन सा कलर आपको स्प्रेड करना है, और एक राइट साइड पे इट्स मोर डार्क, सो आपको ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करना है उस साइड, ओके। फिर ग्रीन में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करा है उसको और डार्क टोन देने के लिए। ये डार्क टोन ज़्यादा ब्लू से ऐड होने से आएगी, और अगर नहीं हो रहा तो आप एक टच ऑफ ब्लैक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी स्टैम्प बना रही हूँ। सो ऐसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, डिफरेंट वेज ऑफ मशरूम, ओके। तो आप देख सकते हो, आप ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए रिलेटेड टू दिस ड्राइंग, यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई टू यू।